मंजिल के इतने पास थी मैं, वो लोग मुझे हायर कर लेते तो मैं जहान आंटी के लिए लड़ सकती थी, कोर्ट जा सकती थी, लेकिन आपने सब बिगाड़ दिया सर। अमू, अमू, ए तो ठीक तो है ना? हाँ हाँ। फिर तेरी आंखें लाल क्यों हैं? आंसू भी है क्या? वो आंसू नहीं है, पानी है। वो लैपटॉप के सामने इतनी देर बैठी थी ना, तो आंखें जल रही है एकदम से। क्या रे अमू, जा जाके मुंह धो, मैं तब तक तेरे लिए खाना लाती हूँ। और तेरा इंटरव्यू कैसा रहा? कब से जाना है काम पर? हाँ, इंटरव्यू ठीक था आई, लेकिन वो नौकरी कुछ ठीक नहीं लग रही थी तो मैंने ना मना कर दिया। तू चिंता मत कर, कोई और नौकरी जल्दी ढूंढ लूंगी मैं। हाँ हाँ ठीक है, दूसरी नौकरी देख लेना, लेकिन ये जो मिली है वो कर लेना। देख, थोड़े से पैसे आ जाएंगे तो हम जहान की थोड़ी मदद कर सकेंगे, है ना? और तूने ही तो कहा था ना कि जहान को उसका घर वापस दिलाना है, उसको इंसाफ दिलाना है, तो फिर ये इस नौकरी को ना कहना। तू अभी उनको दोबारा फोन करके हाँ बोल सकती है ना? मैं एक दिन के लिए शहर से बाहर क्या गया, तो कैरेक्टर से बाहर आ गया। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग तू कैसे भूल सकता है भाई? दिलदार अंकल की हालत देखी तूने? इतने स्ट्रेस में मैंने उन्हें आज से पहले कभी नहीं देखा, ऐसा कैसे कर सकता है भाई? रुक, क्या? एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच कदम की दूरी पर रहा। नया रोल है। क्या क्या रूल? किसका रूल? बैंकर का। वो चाहती है कि मैं उससे पांच कदम दूर रहूं हमेशा के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी उसकी फैमिली पे जो जानलेवा हमला हुआ ना, वो मैंने किया है। शेकी, शी ब्लेम्स मी आउट ऑफ ऑल द पीपल। पुलिस सबको बुला लिया भाई, उसने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर। हाँ तो अच्छा है ना, तू ही तो कहता है कि उसके होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी तुझे इरिटेट करती है, तो अच्छा है भाई, ये दूरियां अच्छी हैं। दूरियां अच्छी हैं, ये है उसकी और उसके राज सर की दूरी। राज सर? अभिराज, राज सर बोलती है ना उसको, जैसे उसका बचपन का दोस्त हो। राज, उसके साथ इतनी करीबी उसको चलती है, लेकिन मेरे साथ 1 2 3 4 5 पांच कदम की दूरी। तू सही कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों पड़ेगा फर्क? क्या है वो मेरी? कुछ नहीं है ना। वो मेरे पास हो, मुझसे दूर हो, मेरे साथ काम करे, उस राज के साथ रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। फर्क तो तुझे पड़ रहा है यार, बहुत फर्क पड़ रहा है, बस तू मान नहीं रहा है। अभी कॉफी को दूर रखो प्लीज, मेरे डिजाइनर कपड़े खराब करोगे क्या? वैसे मॉम, अपने डिजाइनर कपड़ों से प्यार बड़ा है आपको ऐसे? ऑफ कोर्स, दो ही चीजों से तो मुझे प्यार है, मेरे डिजाइनर कपड़े और दूसरे पैसे। और मैं? ओह कम ऑन बेटा, ऑफ कोर्स आई लव यू, तू तो मेरे दिल का टुकड़ा है, पर तुझे राज सबके दिलों पर करना है। दिलों पे भी राज करना और इस एम्पायर पे भी मॉम। गुड। इतने महंगे कपड़े लेके कैसे आए आप? अभी तू ना अब तक अपनी माँ को जान ही नहीं पाया है, मुझे अपना काम निकलवाना बहुत अच्छे से आता है, वो भी बिना पैसे खर्च किए। खैर वो सब छोड़, मुझे बता कि हमारी प्लानिंग का सक्सेस रेट क्या है? 100% मॉम। अमृता चिटनेस को देखा ना आपने आज? गुड, मतलब कि तेरी नजर भी बिल्कुल मेरी तरह ही पारखी है। विराट को मात देने के लिए उस लड़की से अच्छा मोहरा तो मैं मिल ही नहीं सकता। वो लड़की विराट को मुंह के बल गिराने में हमारे बहुत काम आएगी। मॉम, मैंने ना अपनी ओर से पूरी कोशिश की है उसे विराट के खिलाफ भड़काने की, और मेरी बातों का बहुत असर भी हुआ उस पर। अब देखो क्या करती है, थोड़ी सीधी साधी लड़की है ना। सीधे साधे लोग ही तो हमारी सीढ़ी होते हैं बेटा,
आई जस्ट होप कि वो लड़की हमारी उम्मीदों पर खरी उतरे, क्योंकि एक वही है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकती है. राइट? एब्सोल्युटली राइट. यस. मैं तुझे अभी स्वार्थी लग रही हूं ना, लेकिन ना मैं इस वक्त जहान के बारे में सोच रही हूँ. मैं जानती हूँ तुझे बुरा लग रहा है. मैं तुझे ऐसी नौकरी करने के लिए कह रही हूँ जो तेरे लायक नहीं है. देख, मैं इस काम को कोई छोटा नहीं मान रही हूँ, लेकिन मैं तेरी काबिलियत के हिसाब से कह रही हूँ. मुझे पता है कि तू कितनी होनहार है. तू अपना काम, अपनी कीमत सब जानती है. लेकिन सबसे बड़ी बात पता है तुझे औरों से कैसे जुदा करती है? वो है तेरी लड़ने की ताकत. तू चुनौतियों का सामना करना जानती है और उन्हें हराना भी. कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरा जो ये नाम है ना, भवानी, वो ना तेरा होना चाहिए. सच में, क्योंकि इस नाम में ना जो शक्ति है वो तुझ में है. और तेरे नाम में भी कोई कम शक्ति नहीं है. अमृता. अमृता का मतलब है अमृत, जो किसी के लिए जहर बन ही नहीं सकती. और कोई तेरे लिए जहर बने वो तू बर्दाश्त नहीं कर सकती. इसीलिए तुझे लड़ना चाहिए, पलटवार करना चाहिए. तो ये लड़ाई जीतेगी ना, जहान के लिए, हम सबके लिए. जीतूंगी, जरूर जीतूंगी. भवानी की बेटी भवानी से कम है क्या? उसे कोई क्या हराएगा? हारेगा वो जिसने हमारे परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया. तो देखना है, अब ये दुनिया देखेगी कि अमृत जहर को कैसे मारता है. मॉम, क्या कैंट लग रहे हो? व्हाट आर इयररिंग्स? कितने क्लासी हैं ये तो? नए हैं? थैंक यू बेटा. वो क्या है ना कि यहाँ आने से पहले मैंने काफी सारी तैयारियां की हैं. सो यस, ये इयररिंग्स नई हैं. महंगे लग रहे हैं काफी. अब आप प्लीज ये मत कहना कि डिजाइनर कपड़ों के साथ आपको ये भी फ्री में मिले. फ्री के तो नहीं है, लेकिन नकली जरूर है. अब मैंने पहने तो सबको 80 लगेंगे ना. ऑफ कोर्स. यू नो व्हाट मॉम, ये गुटी गुटी बॉय बनकर मैं बहुत थक गया हूँ. बहुत हो गए. मैं समझ सकती हूँ बेटा, तुझे विराट की परछाई बना अच्छा नहीं लग रहा है, जबकि तू इस एम्पायर को से ज्यादा अच्छे से संभाल सकता है. बस और थोड़ा इंतजार कर ले, क्योंकि मैं हर कदम बहुत सोच समझ के बढ़ा रही हूँ. जल्दबाजी नहीं कर सकती, वरना बेबोदी को शक हो जाएगा कि हम कंगाल हो चुके. राइट. और अगर उनको पता चल गया तो मास्टर जी को पता चल जाएगा और फिर वो हमारी हेल्प कर देंगे. हेल्प नहीं, चैरिटी. यहाँ जिसपे दीपिका और भैया पल रहे हैं, और मुझे अपने गले में अहूजाज का पट्टा बांध के नहीं घूमना. मुझे सब कुछ अपने हक का चाहिए, क्योंकि इस एम्पायर पे मेरा भी उतना ही हक है जितना कि बेबोदी का. या मॉम, आई नो. इसलिए हमें अपनी हक की रोटी के लिए ना विराट के मुंह से निवाला छीनना होगा, और इसकी शुरुआत होगी आज से. लेकिन अभी तुम इतना श्योर कैसे हो कि तुम्हारा प्लान काम करेगा ही? श्योर हूँ मॉम, श्योर हूँ. क्योंकि मॉम, विराट के साथ ना मैंने बहुत वक्त गुजारा है. मैं उस वक्त उसके साथ था जब वो दीवानों की तरह प्यार में था. यू मीन टू से
उसकी वाइफ के साथ। एक्स वाइफ? एक्स वाइफ मॉम, एक्स वाइफ। लेकिन अभी विराट को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। तुझे लगता है कि वो बैंकर लड़की कर पाएगी? कर रही है मॉम, कर रही है। इट्स लाइक विराट की चाबी ना उसके हाथ में है। इतना तो वो अपनी एक्स वाइफ के कंट्रोल में भी नहीं था जितना इस लड़की के कंट्रोल में। मॉम, विराट के दिल में ना बहुत नफरत है। वो बोलता नहीं लेकिन उसकी आंखों में नजर आता है। हमें सिर्फ इस चीज का ही फायदा उठाना। जितना विराट को गुस्सा आएगा ना उसके कंपनी के शेयर होल्डर्स का भरोसा उस पर से और घटता रहेगा। और देखते देखते आहूजा का ये एम्पायर डूबने लगेगा मॉम। और इसे डुबोने वाले होगे तुम। बिल्कुल नहीं, मैं डुबाऊंगा नहीं, उभारूंगा मॉम। अब विराट की जगह लेने वाला कोई तो होना चाहिए ना, और वो होगा अभिराज जो इस एम्पायर पे राज करेगा। वाओ, फिर तो ये घर भी हमेशा हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा। 100% मॉम, 100%। और इसकी शुरुआत होगी आज से। बस अमृता पार्टी में वो कह दे जो मैंने उसके दिमाग में डाला है, दैट्स इट। उसके बाद नजारा होगा देखने वाला, तबाही का नजारा। क्या बात है बबीता जी, आज तो बड़ी अटेंशन मिल रही है मुझे आपसे। दिलदार जी, आप तो जानते हैं ना मेरा अटेंशन हमेशा आप पर और विराट पर होता है। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों के लिए हमेशा सब कुछ परफेक्ट हो। ये बात अलग है कि मैं कभी जताती नहीं हूँ। पर दिख तो जाता ही है ना मॉम, सब जानते कि आप भाई को मुझसे ज्यादा प्यार करती है। वो इसलिए क्योंकि तुम अपने डैड और भाई की तरह बुद्धू नहीं हो, स्मार्ट हो मेरी तरह। तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। यू आर राइट मॉम। मेरी निमी है ना, सुंदर होने के साथ साथ स्मार्ट भी है। वो आजकल पता नहीं क्यों थोड़ी सी सेंटिमेंटल हो जाती है, बट दैट्स ओके, शी स्टिल नोज दैट आप हम सबको बहुत प्यार करते हैं। ऑफ कोर्स। दिलदार जी, वो सिंघाने की बेटी का नाम क्या है? आलिया। आलिया। बबीता जी, आप फिर से शुरू मत हो जाइएगा। क्या हो गया डैड, क्या शुरू होने की बात हो रही है? अरे कुछ नहीं, बस हम कुछ और ही बात कर रहे थे। वैसे बेटा आज तो बड़ा हैंडसम लग रहा है, आज सबकी नजरें तुझ पर ही होंगी। वो तो है। बबीता जी, आप भूल रही हैं, घर में एक और हैंडसम लड़का है। नो हाँ जीजू, मेरे विराट के आगे तो सब 19 ही हैं, कोई 20 भी नहीं है। सॉरी अभी तू भी नहीं। आई नो मॉम, विराट आपका फेवरेट है मुझे पता है। दिल्ली में भी ना इसके नाम की माला जपती रहती है मम्मी। हाँ लेकिन विराट को मेरी याद कहाँ आती है? अरे नहीं नहीं मासी, मासी ऐसा नहीं है, कम ऑन। सॉरी थोड़ा कॉट अप था, बट नाउ ऑल योर्स एंड आई विल मेक इट अप टू यू, आई प्रॉमिस। कोई बात नहीं बेटा, मैंने देखा तो कितना बिजी रहता है, और काम के अलावा और भी कितने स्यापे हैं तेरी लाइफ में। मैं समझ सकती हूँ सब हैंडल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मासी से क्या फॉर्मेलिटियाँ, और वैसे भी अब तो मैं यही हूँ, तो फिर टाइम है अपने पास, तो क्यों? आप ना बेस्ट हो मासी। वो तो मैं हूँ ही। बस एक बार ये सिंघानिया वाली डील क्रैक हो जाए ना, तो पूरा परिवार मिलके बिल्कुल वापस पहले की तरह पार्टी करेगा। यस, लेकिन वो तो तब होगी ना अगर हम डील साइन करने घर से बाहर निकल पाए, लेकिन वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। मेरा मतलब है कि पता चला हम पार्टी करने घर से बाहर निकले और वो घुसपैठिया टेरेस की तरह हमारे घर के अंदर घुसा है, तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मामी। आप जानती हैं कितनी प्लानिंग के साथ मैंने पेंट हाउस बुक किया था, सोचा था यहाँ आके ट्रैफिक की तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी, जब पार्टी करनी अपनी टेरेस पे गए और पार्टी होस्ट की। पर अब देखो कब्जा करके बैठ गए, अब क्या करें? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो विराट, इन लो क्लास लोगों की वजह से हम हमारे ही घर में पार्टी नहीं कर पा रहे हैं, ना हॉल में ना टेरेस पे। अरे घर पे अगर किसी को बुलाओ तो हमारे नाम खराब हो जाएगा। दिल्ली में तुम्हें हर हफ्ते पार्टी किया करती थी। आई मिस दिल्ली सो मच, मुंबई मुझे रास ही नहीं आया। ऊपर से ये बेताल बन के बैठी है फैमिली हमारे पीछे।
काम डाउन बेबोदी, काम डाउन। आज की डील विराट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी तो हम उसी पे फोकस करते हैं। इन लोगों से तो हम बाद में डील कर लेंगे, राइट? तुम सही कह रही हो कवि। इन लोगों के बारे में सोचेंगे तो हमारी शाम खराब हो जाएगी। इनसे हम बाद में निपटेंगे। चले? बिल्कुल। मॉम, एक काम याद आ गया, पूरा करके आओ। Excuse me. हाँ, अच्छा, चलिए चलिए, पार्टी के लिए लेट हो रहा है। Let's go. चलते। अमु, ये ले। Thank you. ये यहाँ क्यों आ रहा है? फिर से इनकी बहस हो गई तो? क्यों? अरे मैं डरता वरता नहीं हूँ किसी से। ये फिर आ गए मुझे इरिटेट करना। इन्हें तो मैं आज आपके आशीर्वाद की जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। कुछ लोग ना एक नंबर के जल कुकड़े होते हैं आंटी। किसी का भला होते हुए देख ही नहीं सकते, किसी को आशीर्वाद मिलते भी नहीं देख सकते। मैं इतना सेल्फिश नहीं हूं। डोंट वरी, आपको किसी टाइट स्पॉट में नहीं डालूंगा। पर मैं जानता हूं आप दिल से मुझे आशीर्वाद दे चुकी है, है ना? हाँ हाँ, तुम्हारा हर काम सफल रहे, विजयी भव। ये दोनों ऐसे एक दूसरे को घूर क्यों रहे? फिर से इनका झगड़ा हुआ क्या? एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच कदम की दूरी, रूल याद है मुझे। अब बस प्रूव कर रहा था, तुम्हारे इतनी पास खड़े होने का शौक भी नहीं है मुझे। इसे जीत हमारी और हार तुम्हारी। बोलो। दिल के खुश रखने को गालिब ये भी ख्याल अच्छा है, लेकिन आ रही है तीखी तेज कटा रही है। आज मेरी तो कल तुम्हारी बारी है। क्या 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 मतलब? डरा रही हो क्या मुझे? आसमान लगे फटने तो प्रसाद लगे बटने। कौन सा नशा करके बैठी है ये? डॉक्टर को दिखाइए अपनी बेटी को। क्यों क्यों? बैलेंस, मेंटल बैलेंस खराब हो गया इसका। दिमाग खिसक गया है। जा जाओ, देर हो रही है तुम्हें, जाओ। हाँ, जब मैं तो जा ही रहा हूँ। हाँ जाओ। जब अंधेरा होता है आधी रात के बाद एक आवाज आती है, चोर 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 चोर। अबू, क्या कर रही है? क्यों डरा रही है उसे? तुझे डरना चाहिए, और नहीं तो क्या? तू उसे आशीर्वाद दे रही थी। विजयी भव, आशीर्वाद देना चाहिए उसको। जब घर में कुछ अनहोनी हो जाएगी ना तो मुझे मत बोलना। विजयी भव, इतना भोला भी नहीं होना चाहिए कि कोई तेरे भोलेपन का फायदा उठाए। Ah, Ahujas are there. Excuse us, come. Hello, Mr. Singhania. Hello, Mr. Ahuja. Namaste, Mrs. Ahuja. Nice to meet you. Likewise. तो तुम आलिया हो, हाँ? बहुत सुंदर हो। घर जाकर अपनी नजर जरूर उतारना। Thank you so much, आंटी। Actually, पापा ने ना बताया था आपके और आपकी फैमिली के बारे में। इससे मेरा बहुत मन था आप सबसे मिलने का। बाकी सब दूसरी गाड़ी से आ रहे हैं। मेरा बेटा ना सुपर हैंडसम है, विराट सिंह आहूजा। उसमें जो बातें वो किसी और में नहीं है। यू मस्ट मीट हिम। श्योर आंटी। अरे सर 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 सर
आज यहाँ पर आहूजा और सिंघानिया के बीच में एक इम्पोर्टेंट डील साइन होने वाली है. हाउ इज यू फीलिंग अबाउट दैट? ऑफ कोर्स वी आर हैप्पी अबाउट इट. तभी तो इस शानदार पार्टी का अरेंजमेंट किया हमने. और हम अरे विराट सर आ गए. सर हमने सुना है कि आज आपकी बहुत इम्पोर्टेंट डील साइन होने वाली है सिंघानिया के साथ. कमाल है, अभी तक डील साइन भी नहीं हुई और आप लोगों को पहले ही पता चल गया. जरूर मेरे घर में ना कैमरा लगा के रखे आप लोगों ने. विराट सिंह आहूजा बिजनेस मैन ऑफ द ईयर. सारे कोई पट्टे कोई गेम ऑन इसकी डिवोर्स तक का लोगों को पता चल गया, लेकिन फिर भी सब इसको पता नहीं कितना प्यार करते हैं. तो ये क्या जादू किया इसने सब पे? जादू तो है भाई, आपको पता है वो जो चाहते हैं उन्हें मिल जाता है. पता है अगर भाई का कोई बुरा चाहे ना तो उसका अपने आप ही बुरा हो जाता है. लकी तो है भाई, काश मैं भी इतनी लकी होती. निम्मी क्या हो गया तुझे? भाई है तेरा, उसकी कामयाबी में तुझे खुश होना चाहिए ना. वैसे भी हमारा विराट दिल का सोना है. सोना? अगर विराट भाई सोना है तो आप हीरा हो. तो तू क्यों जीरा हो रही है? उसकी कामयाबी में खुश हो तू. That's it. काश आप पहले आ गए होते. अब आ गया हूँ ना. हाँ थोड़ी देर हो गई आने में, लेकिन अब आ गया हूँ ना. अब जाऊंगा नहीं. आई मीन सब कुछ ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है ना मुझे. अब सब कुछ ठीक करके ही जाऊंगा. ऑल द बेस्ट. आप तो एंजॉय कर, तुझे मिलता हूँ मैं. हाँ यमृता कहाँ है? इतना उकसाया मैंने उसे, फिर भी नहीं आई. नो, मेरा प्लान फेल नहीं हो सकता. सॉरी ब्रो. शेखर अमृता का तो यहाँ आना ही होगा, क्योंकि अभिराज को बाजियां पलटने की आदत है. बाजियां हारने की नहीं.